मित्र, सेंट्रल बैंक क्या राय है? सेंट्रल बैंक देखिए, पीएसयू बैंक जैसे मैंने बोला कि सब में मोमेंटम है, पर देखिए होता क्या है कि जब एक सेगमेंट में बाइंग आती है तो सभी बैंक चलते हैं, चाहे वो फंडामेंटल सपोर्ट हो या ना हो। मुझे लगता है सेंट्रल बैंक वही कैटेगरी है, फंडामेंटल स्ट्रेंथ ना होने के बावजूद पिछले एक महीने के अंदर देखा जाए तो 25 वाला आपका 40-42 हो गया और वो वापस 32 आ गया है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट टेकिंग अच्छा हुआ है। आई विल एडवाइज कि इससे बेटर है कि अगर आप इसमें बने हुए हैं तो इसमें से थोड़ा सा एग्जिट करने का देखें, और जो थोड़े बेटर क्वालिटी काउंटर है इसी सेगमेंट में, उसमें आप पोजिशन वापस बना सकते हैं। इसमें आई एम नॉट वेरी बुलिश, बट यस बिकॉज दिस सेक्टर इज बुलिश, 28 के ऊपर देखा जाए तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ऊपर में वापस देखा जाए तो 38-40 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जिसे बने ही रहना है इसके अंदर, 28 के नीचे का स्टॉप लगाइए, ऊपर 38-40 तक का वेट करिए, वहां पे थोड़ा सा फिर से प्रॉफिट टेकिंग के लिए देखिए। जी, तो यह रहा है सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे।